अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नायशा लाइफ विद किड्स। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है जस्ट बिकॉज आई रिसीव माय गूगल एड्स पिन। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली हुई थी ना, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मोनेटाइज कितने दिन बाद होता है वॉच टाइम कंप्लीट होने के। तो आज के वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगी कि क्या हुआ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो जो मेरे साथ एग्जैक्ट हुआ वो मैं आपसे बताऊँगी। और मैं इसलिए भी शेयर करूँगी ताकि जो न्यू क्रिएटर हैं, जो बिगिनर हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी तरह वो भी कितने परेशान होंगे। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही परेशान थी। सो हमारी ना, जब यूट्यूब चैनल बनता है तो यूट्यूब की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होते हैं ना, तो हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज होता है। और जैसे ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा ना, तो वैसे ही आपको एक जो है पेज ओपन होगा, तो उसमें जो है ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो जैसे हमारे सब्सक्राइबर ड्रॉप होते हैं, हमारे व्यूज़ भी ड्रॉप होते हैं, उसी तरह हमारे वॉच टाइम भी ना तेज़ी से ड्रॉप होते हैं। तो इसलिए जैसे ही आपका कंप्लीट होगा ना, आपको एक पेज ओपन हो जाएगा और उसको आप जो है फिल करना है। और इतना याद रहना कि सारे जो है वो रियल आपको फिल करने हैं, जो भी उसमें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो सब फेक नहीं यूज़ करने, आपको रियल ही यूज़ करने हैं। उसके बाद आपका जो है 1, 2, 3 स्टेप होगा, वो आपको फॉलो करना होगा। और प्रोसीजर जो है 2-3 दिन का रहता है, मेरा तो 3 दिन का था। मैं अपना पर्सनल आपको बता रही हूँ, मेरा 3 दिन का था। तो वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट होने के बाद ना, जब आपका मोनेटाइज होता है, तो एटलीस्ट इट विल टेक टाइम 3 डेज़। तो मुझे लगता है कि ये सारा प्रोसेस जो है ना, वो 3 दिन तक चलता है। उसके बाद 3 दिन के बाद आपको फाइनली एक मेल आएगा ना कि यू आर ए यूट्यूब पार्टनर, कि आपका चैनल जो वो मोनेटाइज हो गया है और आप जो है अब यूट्यूब पार्टनर है। तो मेल के ज़रिए आपको एक जो है सक्सेसफुली वो रिसीव हो जाएगा मैसेज, जिससे आप एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे। और उसके बाद ना, आपको $10 कंप्लीट करने होंगे आपके। जब आपके $10 कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद आपको इस तरह का गूगल एडसेंस पिन आएगा यूट्यूब की तरफ से। तो अगर आप जो है सिटी में रहते हो, तो ईज़िली ये रिसीव हो जाएगा। जस्ट बिकॉज आई लिव इन दिल्ली, सो दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, सो आई थॉट कि मेरा 4-5 डेज में ही आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, 1 हफ्ते तो लगते ही हैं। तो मेरा जो है 1 हफ्ते में आ गया था, क्योंकि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस था, तो वहाँ जो है मैं कॉल करके चेक किया करती थी, तो मुझे रिसीव हो गया था 1 हफ्ते में ही। तो उसके बाद फिर आपको ना ये वेरीफाई करना होता है अपने अकाउंट से। उसके बाद आपको $100 जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। अब $100 जो है वो व्यूज़ के ऊपर है, तो वो कंप्लीट होने के बाद ही आपको जो है वो पेमेंट रिसीव होगी। बट एडसेंस पिन आने के बाद ना, आपका ये कंफर्म हो जाता है कि नाउ यू आर रेडी टू रिसीव योर पेमेंट। सो आई थिंक आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चैनल जब मोनेटाइज के लिए आप अप्लाई करेंगे ना, तो इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो चैनल पे कोई ऐसी वैसी वीडियोस ना हो जिससे कॉपीराइट क्लेम आए। मैं जो है, जो मेरे साथ हुआ एग्जैक्ट, मैं सोचती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि आप जो कुछ भी गलती करने वाले हों या कर रहे हो, तो आप अपनी वो क्लियर कर लें। आई मीन, जिस भी किसी और की वीडियोस डालनी हो, तो वो आप मोनेटाइज होने से पहले ही डिलीट कर दें तो बेस्ट होगा। बट वीडियो डिलीटिंग का जो है वो एक दिन में एक ही करें, ऐसा ना हो कि आप एक ही घंटे में, एक दिन में 3-4 जितनी भी आपकी दूसरी की ऐसी वैसी वीडियो आप यहाँ वहाँ से डाल दी हो, तो वो जो है मतलब अलग अलग करें। तो इससे क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैंने ना अपना चैनल बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा हुआ था, तो मैं वैसे भी बहुत डरी थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे चैनल में, जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, अच्छे से मोनेटाइज हो गया था। क्योंकि हम ना बहुत डरते हैं कि यूट्यूब का क्या एल्गोरिदम है, क्या है कि कब क्या हो जाए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। सारे रूल, सारे ये भी सब जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे 22, 23 में कुछ और था, अभी 20, 24 में कुछ और हो रहा है।
अच्छा, साथ साथ ना मैंने सोचा मैं फ़ेस टू फेस तो नहीं बात कर सकती, तो मैं अपनी जो है वो चिकन मोइनीस बर्गर ही रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा वो बर्गर भी तैयार हो गया है और आप लोग सबका इसी तरह इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा। बट क्या रहता है ना, थोड़ी डर रहती कि हम मोनेटाइज होने से पहले इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है ना, तब तक मतलब ऐसा लगता है कि सब वेस्ट है। जब हो जाता है ना, तब लगता है हाँ सारी मेहनत सही है, वरना हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद जो है चैनल रिजेक्ट हो जाता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो फिर वो हमारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ साथ साथ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बहुत से लोग बस देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उनके एक लाइक से कहीं मैं स्टार ही ना बन जाऊँ। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।